हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जे के रखान। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के अंडर जो फ्रेंड्स आपके एफकैट 02/2021 के अंडर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपका जो एग्जामिनेशन है एफकैट 02/2021 का, वो कंडक्ट होने के लिए जा रहा है, जो कि आपका 28 से लेकर 30 अगस्त 2021 होगा। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट्स ने इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किया था, वो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर उनकी कोई गलती ऑनलाइन फॉर्म में हुई थी तो वो उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी गलतियों को आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, जो गलतियाँ हैं उनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने एफकैट 02/2021 के अंडर ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया था, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर उनकी कोई भी मिस्टेक उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में की हुई है, उसको वो आप यहां पे जो है करेक्ट कर सकते हैं। एक बार वो अपने जो एफकैट 02/2021 चेक करें कि वहां पे जो आपके सारी डिटेल है वो आपके सर्टिफिकेट के साथ मैच करनी चाहिए। अगर वो आपकी मैच नहीं करती है तो अल्टीमेटली जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी एसएसबी के दौरान, तो वहां पे फ्रेंड्स आपका एक रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी डिटेल्स को आप यहां पे करेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपका जो नाम उसके कोई स्पेलिंग में गलत है, या फिर आपके जो फादर नेम है उसके स्पेलिंग में कोई गलती है, आपने गलत फादर नेम के जो स्पेलिंग है वो वहाँ पे मेंशन कर दी, या फिर मदर नेम के, क्योंकि ये सारी जो आपकी डिटेल है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम जो है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के साथ मैच करना चाहिए। या फिर कई बार जल्दी जल्दी में अगर आपने जेंडर गलत सेलेक्ट कर लिया, या फिर फ़ोटो सिग्नेचर आपके सही से अपलोड नहीं हुए हैं, यानी कि फ़ोटो अगर आपका विजिबल नहीं है, सिग्नेचर आपके गलत अपलोड हुए हैं, या फिर थंब इम्प्रेशन, या फिर एड्रेस, या फिर अल्टीमेटली अगर आप अपना कोर्स भी एडिट करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो कैसे आप यहाँ पर एडिट करोगे? सबसे पहले आप यहां पे कैंडिडेट लॉगिन में आओगे और आपको यहां पे एफकैट 02/2021 में आना है। यहां पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अपनी मेल आईडी, और उसके बाद आप यहां पे डालोगे पासवर्ड। तो ये डिटेल्स यहां पे डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे सही से कैप्चा फिल करना है, और सही से कैप्चा फिल करने के बाद आप यहां पे करोगे लॉगिन। तो यहां पे लॉगिन करते टाइम ध्यान दें कि आपका यहां पे जो कैप्चा है फ्रेंड्स वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहां पे हम डिटेल्स को, कैंडिडेट की डिटेल्स को एडिट करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉगिन कर दोगे, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी डिटेल्स को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट करने के लिए आपको आना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जब आप यहाँ पे आ जाते हो, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं फ्रेंड्स वो आपकी यहाँ पे सारी अवेलेबल रहेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर आपका नाम गलत है, अगर आपका फादर नेम गलत है, मदर नेम गलत है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे राहुल देव सिंह अगर यहाँ पे नाम चेंज करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नाम को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपका नाम गलत है, या फिर फादर नेम गलत है, या फिर मदर नेम गलत है, तो आप यहाँ से इसको करेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर जेंडर भी गलत है, फोटो गलत से अपलोड हुआ, सिग्नेचर गलती से यहाँ पे गलत अपलोड हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ्रेंड्स इनको इनडायरेक्ट से करेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान दें कि फोटो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी कि जो उन्होंने वहाँ पे साइज मांगा गया था ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम, थंब इम्प्रेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो अल्टीमेटली आपके डॉक्यूमेंट के साथ भी फ्रेंड्स मैच करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो जल्दी से आप यहाँ पे इसको इम्प्रूव कर लें, इसको करेक्ट कर लें। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एडिट करते टाइम, तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। और फोटो सिग्नेचर को कैसे आप दोबारा अच्छे तरीके से रिसाइज करेंगे, अपने मोबाइल से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो कि फोटो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली फ्रेंड्स मिल जाएगा। वहां से आप अच्छे तरीके से फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करके यहाँ पर अच्छे तरीके से अपलोड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ये वहाँ पर क्वेरी आती है कि उनका जो फोटो कि क्वालिटी है वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि फ़ोटो और सिग्नेचर को अच्छे तरीके से आपको कैसे रिसाइज करना है। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जामिनेशन है वो हमने डिस्कस किया कि 28 से लेके 30 अगस्त 2021 तक कंडक्ट होगा। और जैसे इसके जो आपके कॉल लेटर हैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर आपको अपने कॉल लेटर को कैसे फ्रेंड्स डाउनलोड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।